परमा सागर जी महाराज की, परम पूज्य रह सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की जय जय जय। भक्तजनों, हम सब विराजमान हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मनोराज परमा सागर जी महाराज, जो गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेक समय के रूप में संपूर्ण जगत में विख्यात हैं, जिनके श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए हम धनबाद के धैया में अवस्थित नवनिर्मित जनालय के प्रांगण में विराजमान हैं। और साथ ही विराजमान है वे सारे लोग जो अपने घरों में बैठ करके पारा शंकाओं के समाधान प्राप्त करके जीवन को उन्नत कर रहे हैं। हम सब गुरुदेव के मुख से अपनी शंकाओं के समाधान सुने, उसके पूर्व मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव का वरद हस्त हमें आशीष के रूप में उपलब्ध हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। भवजनों, आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि गुरुदेव यहाँ क्यों आए हैं। 1925 जून तक गुरुदेव के सुसानिध्य में धैया नगर में इनके आशीर्वाद से नवनिर्मित जनालय का विराजमान वाले प्रतिष्ठा प्रतिमाओं का पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव होना है, जिसके प्रतिष्ठाचार आदरणीय भैया अभय जी, श्रद्धेय भैया अभय जी विराजमान हैं इनके सानिध्य में, और आने वाले हैं भैया अशोक जी। इनके सुसानिध्य में, इनके निर्देशन में, इनके मार्गदर्शन में हम भव्य पंचम प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, और गुरुदेव का आशीष सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। आज हम गुरुदेव के श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान के लिए उतावले हैं। मैं नाम पुकार रहा हूँ, आपके हम से आते जाएं और अपनी शंका प्रस्तुत करके समाधान पाएं। सबसे पहले उपस्थित हों कनिष्का जैन, कनिष्का जैन उपस्थित हों और तैयार रहें। अरिहंत गंगवाल, अरिहंत गंगवाल तैयार रहेंगे। आइए जल्दी सीखते से आइए बेटे, करके प्रश्न कीजिए। कनिष्का, अरिहंत तैयार रहेंगे, बोलिए बोलिए। नमोस्तु, नमोस्तु। मेरी माँ बोलती है तीजनानी था जो अध्याय तरना चाहिए, पर मंदिर में देव दर्शन करना चाहिए। मुझे भी ये सब अच्छा लगता है, पर मैं माउंट आना स्कूल में पढ़ती हूँ, वहाँ संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हूँ। हमारे धनबाद में तो जैन पाठशाला भी नहीं है, ना तो संस्कृत सिखाता है। हम बच्चे चैसे धर्म ध्यान तरे चौथा तरे आप मार्गदर्शन है। बहुत अच्छी बात पूछी है। देखो, स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, हम घर में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पहले तो मैं कहूँगा कि तुम्हारी माँ को चाहिए कि वो तुम्हें घर में धर्म शास्त्रों का ज्ञान कराए, कम से कम जितने भी पाठ विनती और स्तुति है उनका तो बोध कराए ही। और दूसरा, यहाँ पाठशाला नहीं है तो पाठशाला होनी चाहिए, पाठशाला की व्यवस्था भी बननी चाहिए ताकि बच्चों को संस्कार मिले। और जो यहाँ नहीं आ सकते उन सबको प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ना चाहिए। जो ऑनलाइन पाठशाला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हजारों बच्चे जिसमें भाग ले रहे हैं, वो प्रामाणिक पाठशाला में अपनी सहभागिता दो, घर बैठे ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें सीख लेंगे। सभी के संज्ञान के लिए मैं ये कहूँगा कि अब प्रामाणिक पाठशाला ने ऑफलाइन भी कार्यक्रम करना शुरू कर दिया है। प्रामाणिक पाठशाला आपके शहर में, देश भर के लोग जहाँ भी अपनी पाठशालाओं को जो संचालित कर रहे हैं, अगर प्रामाणिक पाठशाला के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो प्रामाणिक पाठशाला के लोग आपको पूरी सामग्री और पूरा सहयोग भी देते हैं। और बहुत जगह ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, अलग अलग शिविरों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से, जिससे बच्चों को बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा है, बच्चों में बड़े सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। उपस्थित हों अरिहंत गंगवाल, तैयार हैं बेबी रति गोधा, सुपुत्र संजय जी गोधा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि अक्सर देखा जाता है कि जो व्यक्ति जितना धर्म करता है उतना उनके अंदर आवेश होता है, यहाँ तक कि मंदिर में भी उनके अंदर क्रोध आ जाता है।
तो क्या ऐसा धर्म करना उचित है? देखिए, आवेश तो किसी के लिए अच्छा नहीं है, पर ये कहना कि जो जितना धर्म करता है उसमें उतना आवेश आता है, ये पूरी तरह ठीक नहीं। हम लोग धर्म करते दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? दिखते हैं। तो कभी ऐसे आवेश में दिखते हो क्या? नहीं देखते ना? हाँ, हो सकता है कतिपय ऐसे व्यक्ति हों जो धार्मिक हों पर उनका स्वभाव गुस्सैल हो, उनमें आवेश आ जाता हो। ऐसे व्यक्तियों को देखकर हमें धर्म से दूर होने की जगह उनसे सीख लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में ऐसा नहीं करेंगे। और जो भी धर्म से जुड़ रहे हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि मेरा असल धर्म तो अपने भावों को ठीक करना है। जब तक हम अपने भावों को निर्मल नहीं कर लेते तब तक हमारे जीवन में कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। इसलिए हमें हमेशा अपने भावों के निर्मलता के प्रति दृष्टि रखनी चाहिए। मोस्ट महाराज नृत्य गोधा आ जाए। सुपति संजय गोधा तैयार है। अतिशय आदि जैन धनवान। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग भगवान की भक्ति के लिए मंदिर जाते हैं और वहीं कुछ लोग मंदिर आते हैं, महाराज जी की भगवान जी की फोटो खींचते और चले जाते, तो महाराज जी का ये उचित है कि नहीं? नमोस्तु। देखो, बात सही है, ये एक बड़ी बीमारी लग गई। लोगों भगवान के चरणों में द्रव्य बाद में चढ़ाते हैं, मोबाइल पहले चटकाते हैं। ये अच्छी बात नहीं। हम मंदिर गए हैं तो भगवान के दर्शन और वंदना के लिए गए, फोटो खींचने और खिंचवाने नहीं। पहले भाव भक्ति से भगवान की वंदना कर लो, अपनी विशुद्धि बढ़ा लो। हाँ, वहाँ की स्मृतियों को साथ रखने के लिए कोई फोटोग्राफी करे तो मैं उसे निंदनीय नहीं कहता, लेकिन वह भी एक मर्यादा में होनी चाहिए। पहले दर्शन वंदना हो जाए और फोटो इस तरह से खींचे या खिंचवाए कि दूसरे को व्यवधान ना हो, पता लगा तुम्हारे फोटो के चक्कर में सामने वाले का मन खराब हो रहा है, तो ये उचित नहीं है। ये आराधना के स्थल हैं, प्रदर्शन के नहीं। इस पर सभी को गंभीरता का परिचय देना चाहिए। आइए अतिशय जी, आइए। आदि अतिशय जैन तैयार हैं। श्रीमती चंद्रकला जी बाकलीवाल, जीवंधर कुमार जी बाकलीवाल। नमोस्तु महाराज श्री। चलो, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी मैं कोई गेम खेलता हूँ, जैसे कोई बोर्ड गेम या कोई सा भी ऐसा गेम, उसमें मैं जब भी हारता हूँ मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता हूँ और मेरे को रोना भी कभी कभी आता है, तो इसका मुझे सलूशन बताएं कि मैं इसको कम कैसे करूँ? बहुत अच्छा सवाल। ये सवाल छोटे से बच्चे का है, पर ये सवाल सबका है। देखो, हमें सबसे बड़ा ध्यान अपने इमोशन पर कंट्रोल के ऊपर देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। पहली बात, गेम को गेम की दृष्टि से देखो, और गेम में जीत हार तो लगी हुई है, ये तो पहले से तय है। ये बताओ, गेम में दोनों जीते हैं तो मज़ा आएगा क्या? नहीं। गेम ड्रा हो जाए तो मज़ा आएगा क्या? नहीं। मज़ा तो तब होता है जब कोई जीतता है और कोई हारता है। तो पहली बात, खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए और खेल को खेल की भावना से ही देखना चाहिए। अगर हमारा इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा हो जाए तो वही सारी समस्याएं आती है जो तुमने कहा। तो इससे बचने का एक रास्ता है, तुमने पूछा सॉल्यूशन क्या है। हमेशा एक वाक्य को दोहराओ, मुझे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। क्या? मुझे अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना है। समझ गए? हाँ। इसका अर्थ समझ में आ गया? हाँ। आई हैव टू कंट्रोल माई इमोशंस। क्या? आई हैव टू कंट्रोल माई इमोशंस। हिंदी में बोलो तो ज़्यादा असर होगा। क्या बोलना है? मुझे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। मुझे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। बस जब भी खाली रहो। मैं जब भी खाली रहो। मेरी बात तो सुनो।
जब खाली रहो इस मंत्र को गुनो, मुझे भावनाओं पर नियंत्रण रखना है और दूसरा खेल को खेल भाव से खेलना है। क्या? खेल को खेल भावना से खेलना है। हाँ, ये बात दोनों बातें बार बार दोहराओगे तो ये तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ जाएगी, और जब ये बातें सबकॉन्शियस माइंड में एक बार बैठ जाएगी तो फिर कुछ भी होगा हमारी भावनाओं का हम पर ज़्यादा असर नहीं होगा, या यूँ कहें भावनाओं के बहाव में बहने से बच जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान रखें। आइए सिबल चंद्रा जी, जीवंद कुमार जी बाकलीवान धनबाद से ही और तैयार हैं, श्री राजेश जी जैन झरिया धनबाद, आइए श्रीमान जीवंदर जी पहुंच जाएं, बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा सवाल है गुरुदेव, जैन समाज के मंदिरों में कहीं कहीं ऐसी स्थिति पैदा होती है कि कुछ लोग अपना वर्चस्व बनाते हैं, चलाते हैं, उसमें उनकी क्रिया विवेकपूर्ण हो या न हो, इससे समाज में विरोधाभास होता है और समाज की अखंडता पर प्रभाव पड़ता है, इस विरोधाभास को कैसे रोका जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मंदिर में कभी किसी को वर्चस्व का भाव रखना ही नहीं चाहिए। मंदिर हमारी श्रद्धा का आयतन है, सत्ता का अधिष्ठान नहीं। हम भगवान के ऊपर अपना क्या वर्चस्व बढ़ाएंगे? भगवान से बड़ा किसका वर्चस्व हो, तो त्रिलोकीनाथ है, उनके चरणों में हमें समर्पित होकर जाना चाहिए और यही विशुद्ध भाव मन में रखना चाहिए। हाँ, लेकिन यदि किसी किसी व्यक्ति की ऐसी प्रवृत्ति हो जाए तो हमें ऐसे व्यक्ति को पहली कोशिश करनी चाहिए समझाने की, और ऐसा लगता है कि इन्हें समझा पाना हमारे लिए संभव नहीं है तो उन्हें समझाने की जगह खुद को समझा लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए ये इनका नेचर है, इनको अपने हिसाब से अपना काम कर लेने दो, हम अपने भाव खराब न करें, ज़्यादा है तो हम टाइम एडजस्ट करके मंदिर जाना नहीं, तो उनकी क्रिया विवेकपूर्ण हो या ना हो इसका फिर कैसे? अब इसको लेके झगड़ा करो, मैंने क्या कहा, सामने वाले को समझाओ, और अगर सामने वाले को समझाने की गुंजाइश न दिखे तो खुद को समझा लो। कोई मान जाओ मंदिर में भक्ति करो, महाभारत नहीं, झगड़ा करोगे तो पुण्य की जगह पाप ही अर्जित होगा, इसका ध्यान रख। नमस्ते, आइए धरिया से श्रीमान राजेश जी जैन, तैयार हैं श्रीमती रेणु जी गंगवाल धनबाद से ही। गुरुवर के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका है कि मैं नमोकार मंत्र हाथ से जाप देता हूँ सुबह, तो मेरी ये शंका है कि कहीं मैं पाप का बंध तो नहीं बन रहा हूँ। हाथ से जाप देने में पाप क्यों बंधेगा भाई, पुण्य ही बंधेगा, एकाग्रता से दो। नहीं, मैं नहा बिगर नहाए देता हूँ इसलिए। कोई दिक्कत नहीं, चलिए अगला। श्रीमती रेणु जी गंगवाल उपस्थित हूँ धनबाद से ही, तैयार हैं श्री विशाल जी शिल्पा जी गंगवाल धैया धनबाद। नमोस्तु महाराज, हमारे सारे सभी तीर्थंकरों के सारे कल्याणक हमारे देश में ही हुए हैं, ऐसा क्यों? क्या जैन धर्म इतना ही सीमित है? जैन धर्म इतना सीमित नहीं है, भारत के लोग इतने भाग्यशाली कि इस धरती ने महापुरुषों को जन्म दिया। उजाला पूरे दशो दिशाओं में होता पर सूरज तो पूरब में ही उगता है, हम सूरज उगाने वाले देश में जन्मे हैं, ऐसा समझना। विशाल जी शिल्पा जी गंगवाल उपस्थित हों धैया धनबाद से, तैयार हैं श्रीमती प्रमोद जी राखी जी छावड़ा, श्रीमान प्रमोद राखी छावड़ा धनबाद। महाराज जी के चरणों में त्रेबान नमस्तु। महाराज जी, जब हम विद्यार्थी थे तो हमें सिखाया जाता था काक चेष्टा बको ध्यानम स्वांग निंद्रा अल्पहारी गृह त्यागी, परंतु आजकल के विद्यार्थियों में ये कोई भी गुण बहुत विरल मिलते हैं, तो ऐसे रूप में जब शिक्षा प्राप्त की जाती है तो वो कितनी सार्थक है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। देखिए, बहुत बड़ा अंतर आ गया है पुराने ज़माने में और आज के ज़माने की अवधारणा में। पहले विद्या अध्ययन केवल अध्ययन नहीं होता था, वो अध्ययन काल जीवन के निर्माण का काल था। उस समय हमारे विद्यार्जन का मूल मंत्र था
सा विद्या या विमुक्ति, वही विद्या है जो हमें दोषों, दुर्गुणों और दुर्बलताओं से मुक्त करे। आज अवधारणा बदल गई, अब सोच ऐसी हो गई, सा विद्या यदार्थोपलब्धे, जो अर्थ की उपलब्धि का कारण बने। अब लर्निंग और अर्निंग की बात ज़्यादा आ गई। जब से पश्चिमी जीवन मूल्य हम पर हावी होने लगे हैं, हमारी सोच की दशा बदल गई और परिणाम भी हम सबके सामने हैं। इसका सबसे भयानक परिणाम ये है कि लोग पढ़ लिख जाते हैं, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री भी ले लेते हैं, लेकिन अंदर से कमज़ोर होते हैं। वे जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिरता नहीं रख पाते हैं। थोड़े से परेशानी आने पर अंदर से टूट जाते हैं, छोटे से आघात को भी सहने में असमर्थ होते हैं। तो हमें पुरानी अवधारणा को पुनर्जीवित करना चाहिए, जिससे हम न केवल पढ़ लिख करके अक्षर ज्ञानी बने, अपितु अंदर से मजबूत भी बने। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु। उपस्थित हो श्रीमान प्रमोद जी राखी जी छावड़ा धनबाद से, तैयार हैं दिवेश जी काला रांची, साथ में सौम्य जी झांझरी। नमोस्तु महाराज जी। पहले के जमाने में जब माँ बाप बच्चों की शादी करते थे तो वो बच्चे अपने आप को गृहिणी के रूप में स्वीकार कर लेते थे, सारा संस्कार जो होता है वो बच्चियाँ। और आज के युग में वो अपने आप को गृहिणी नहीं स्वीकार कर पाती, क्यों? आपने तैयारी उसको इस तरीके से किया, बुरा मत मानना। मुझे पता नहीं आपकी बेटियाँ हैं कि नहीं, शायद नहीं, लेकिन आज की ज़्यादातर माताएं अपनी बेटियों को घर के कार्य में कुशल बनाना नहीं चाहती। ज़्यादातर बच्चियाँ पढ़ रही है, कुछ बोलो तुम्हारी बेटी तो पढ़ है, वो पढ़ी रह जाती। गृह कार्य में दक्षता प्रारंभ से होना चाहिए। आप अपने बचपन में जाओ, मुझे लगता है कि आप 10-12 साल की उम्र में अपनी माँ का सहयोग देने लगी होगी। आज की कितनी बेटियाँ हैं जो 18-18, 20-20 साल की हो जाती तो भी कभी किचन संभालने का प्रयास नहीं करती है। परिवर्तन कितना बड़ा है, और अब परिवार में वातावरण भी पूरी तरह से बदल गया है। जब केवल बौद्धिक विकास ही प्रमुख बन जाता है तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। फिर उसी तरीके से सोच बदल गई। पहले लोग विवाह करते थे तो अर्धांगिनी को लाते थे, अब विवाह करते हैं लाइफ पार्टनर को लाते हैं। तो विवाह में जब अवधारणा में इतना बड़ा अंतर होगा तो एडजस्ट कैसे होगा? आज की लड़कियां पढ़ लिख जाती है, वो भी कमाई करने वाली होती है, पेशेवर होती है, तो वो भी क्यों झुके? तो मानसिकता बदल जाने के परिणाम स्वरूप आगे निर्वाह भी बहुत कठिन होता है। और अब ये स्वर आने लगता है, हम क्यों सहें, ये सब हम ही क्यों करें, तो अंदर का ईगो बहुत तेज़ी से क्लैश करता है, जो दाम्पत्य जीवन की मधुरता को भी खंडित करता है। अगर गहराई से देखें तो आज के जितने भी नव दंपतियां हैं उनके जीवन में बहुत कठिनाई से एडजस्टमेंट होता है। दाम्पत्य है पर दाम्पत्य की मधुरता दिनों दिन कम होते दिख रही। बहुतायत लोग विवाह कर नहीं रहे हैं, शादी को ढो रहे हैं, उसका आनंद नहीं ले पाते। और बहुतों में ये भी देखने को मिलता है कि विवाह होता है और डाइवोर्स की बात शुरू हो जाती है। तो इस जड़ को ख़त्म करना चाहिए। हमारी जो परंपरागत अवधारणा है उससे लोगों को जोड़ना चाहिए
और ये समझना चाहिए कि घर परिवार को चलाना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को पूर्ण करने में सबकी कितनी बड़ी बड़ी भागीदारी। आइए श्रीमान दिवेश जी, काना प्रमोद भी बोलेगा। अच्छा बोलिए। दोनों गुरुवरों को नमस्तु। यह सवाल मेरे बैचमेट का है जो ऑफिस में मेरे साथ था और आज वो नहीं है इस दुनिया में। उसकी जिज्ञासा मेरे से थी। सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत में के पांचवें स्कंद में ऋषभ देव का वर्णन है और उनके पुत्र भरत देव भरत चक्रवर्ती का भी वर्णन है उनकी। और हमारे यहाँ हम लोग उनको प्रथम तीर्थंकर के रूप में मानते हैं, तो ये उसको मालूम था। तो उनका सवाल ये था कि जो उनको ऋषभ देव जो है उनको अवतारी पुरुष उस महाभारत में उस किताब में लिखा है बताया गया है और हमारे यहाँ इसको आदि पुरुष के रूप में या प्रथम तीर्थंकर रूप में माना गया है। उसका कहना था, उनका पूछना था कि ये दोनों में क्या मिलाप है या क्या संबंध है। देखिए, ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान ऋषभ देव एक महापुरुष थे और उन महापुरुष होने के कारण उन्हें सभी परंपराओं में सम्मान दिया गया। वैदिक परंपरा और पौराणिक आख्यानों में चूंकि अवतार की अवधारणा है, उन्होंने विष्णु के अवतार के रूप में ऋषभ देव को स्वीकार किया और जैन परंपरा उत्तारवाद को मानती है जो नर से निरंजन बनने का मार्ग बताती है, आत्मा से परमात्मा को बनाने का रास्ता खोलती है, तो वहाँ उन्हें तीर्थंकर के रूप में स्वीकार किया गया। हालांकि भगवान ऋषभ देव के अस्तित्व के बारे में हम विचार करें तो वैदिक और पौराणिक काल से पहले भी भगवान ऋषभ देव का अस्तित्व था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेष भगवान ऋषभ देव के अस्तित्व का द्योतन करते हैं। जहाँ भगवान ऋषभ देव की कायोत्सर्ग मुद्रा मिली है, तो इन सब बातों को देख करके उन्हें यही समझना चाहिए कि ऋषभ देव आप अवतार कहते हैं, हम उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। भागवत में उन्हें आर्हत मत का प्रचारक कहा गया है, तो आर्हत मत क्या है? ये किसी न किसी रूप में जिनमत है, तो हमें चाहिए कि हम भगवान ऋषभ देव के संदेशों को समझें और उसके अनुरूप अपना जीवन जीने का प्रयास करें। उपस्थित हों श्रीमान देवेश जी काना रांची से सोमल जी झांदरी के साथ और तैयार हैं श्रीमती रीना जी, संजय जी जैन, मिहिजाम गुणायतन। तैयार हैं महाराज श्री। महाराज श्री, भावना योग सिर्फ सुबह में ही उठ के करना चाहिए कि कभी भी दिन में कभी भी? और भावना योग करने का क्या लाभ है? देखिए, भावना योग कभी भी किया जा सकता है, पर सुबह करें तो सबसे उत्तम। आपने पूछा भावना योग का क्या लाभ है, तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त करने का अभिनव प्रयोग है भावना योग। भावना योग के लाभ अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत लोगों ने अपने अपने अनुभव शेयर किए। मेरे ख्याल से प्रमाणिक ऐप में उनमें से बहुत सारे अनुभव होंगे, आप उनके अनुभवों को देखिए, सुनिए, समझिए और ये सब करने की जगह कुछ दिन खुद करके देखिए तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कई विद्यार्थी हैं जो अपना जिन्होंने UPSC निकाला वो कहते हैं भावना योग के बल पर आगे बढ़े। कई विद्यार्थी जिन्होंने IIT में अपना उत्तीर्णता पाई वे भी कहते हैं कि भावना योग इसमें हमारे लिए बहुत मददगार बनी। बहुतों को बीमारी में, बहुतों को अन्य प्रकार की विपत्तियों में, बहुतों को व्यापार कारोबार में और बहुत ऐसे लोग जो अपने डिप्रेशन जैसी समस्या से मुक्त हुए हैं उनमें भावना योग बहुत कारगर हुआ है। तो इस भावना योग को हमें नियमित अभ्यास के रूप में लेना चाहिए। तुम्हारे माध्यम से एक संदेश मैं पूरे देश को देना चाहूँगा। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन यहाँ पर भावना योग का कार्यक्रम होगा, कोशिश करूँगा 2 या 3 दिन का कार्यक्रम हो जिसका पूरे देश में सीधा प्रसारण होगा। लेकिन जितने लोग पूरे देश में भावना योग से जुड़े हैं, जो भावना योग का प्रसारण करते हैं, प्रचार प्रसार में आगे बढ़ा रहे हैं, उन सब भावना योग के प्रवर्तकों से मैं कहूँगा कि वे अपने अपने क्षेत्र में 21 तारीख के पूर्व भावना योग को विधिवत लोगों तक पहुँचाएँ ताकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन लोग भावना योग के महत्व को जान सकें और उसे एक अपनी शुरुआत कर सकें। मुझे जहाँ तक पता है भावना योग की टीम इसमें काफ़ी कुछ काम कर रही है, इसे और व्यापकता से प्रचारित किया जाए
ताकि सभी लोग इसका लाभ भी उठा सके। आइए श्रीमान श्रीमती जी रीना जी संजय जी मिहिजाम से और तैयार रहे श्रीमती सरिता जी धन्यवाद। बोलिए। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा त्रेबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अकड़ 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 शब्द में कोई मात्रा नहीं होती, फिर भी यह हर इंसान में अलग अलग मात्रा में मौजूद होती है, तो इससे कैसे बचे। बहुत अच्छा अच्छा वाक खोज खोज के लाते। अकड़ शब्द में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन हर मनुष्य में अलग अलग मात्रा में मौजूद है। इसकी वजह क्या है? इसकी एक ही वजह है कि अकड़ की पकड़ बड़ी है जिसने सबको जकड़ रखा। इनमें भी कोई मात्रा नहीं, समझ गया। चलिए संजय बुटो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक वृद्ध दादाजी ने बहुत सुंदर बात कही है, वृद्ध दादाजी ने। हाँ वृद्ध दादाजी। हाँ वृद्ध दादाजी। हाँ बूढ़े बोल दो। हाँ कि आज की पीढ़ी इकट्ठा करने के लिए जी रही है, आज की पीढ़ी इकट्ठा करने के लिए जी रही है और हमारी पीढ़ी इकट्ठा रहने के लिए जीती रही है, तभी और पहले में क्या बदल गया। बहुत अच्छी बात। आज की पीढ़ी इकट्ठा करने के लिए जी रही है और पुरानी पीढ़ी इकट्ठा रहने के लिए जीती थी। आपने पूछा और अभी और तब में क्या अंतर था। आज के लोग इकट्ठा कर रहे हैं और छोड़ के जा रहे हैं, और पहले के लोग इकट्ठा रहते थे, यादें छोड़ के जाते थे। पहले केवल प्रेम था, आज पैसा है। पैसे की एक सीमा से अधिक महत्ता नहीं है, जिसे हमें ध्यान में रखकर चलना चाहिए और तदनुरूप अपने जीवन को ढालने का प्रयास करना चाहिए। नमस्ते। आइए श्रीमती सरिता जी धन्यवाद से ही, और तैयार हैं श्रीमती नीलम जी जैन धन्यवाद। द्वय मनी राजों के चरणों में मेरा और मेरे दोनों परिवारों के तरफ से त्रैवार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आवश्यक अपरिहारिणी का अर्थ विस्तार से जानना चाहिए। आवश्यक अपरिहानी। आवश्यक अपरिहानी का अर्थ है आवश्यक अपरिहानी। जो हमारे धार्मिक आवश्यक कर्म है उसमें किसी प्रकार की कमी ना होने देना, आवश्यक अपरिहानी भावना। तो अपने सारे कर्तव्यों को दृढ़ता से स्थिरता पूर्वक पालना चाहिए। नमोस्तु। श्रीमती नीलम जी जैन उपस्थित हों और तैयार हैं श्रीमती श्यामलता जी जैन धैया धन्यवाद। जल्दी आइए। शिक्षा कीजिए नीलम जी आ जाए। मुनिश्री के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु। मुनिश्री मेरी शंका है कि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो हम उन्हें अपने साथ मंदिर ले जाते हैं, नमोकार मंत्र सिखाते हैं, दर्शन करना सिखाते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े होकर अपने धर्म से विमुख हो जाते हैं तो ये हमारे किस कर्मों का फल है। ये आपके कर्मों का फल नहीं है, उनकी संगति का फल है और समय का तकाजा। हम लोगों की भी थोड़ी कमी। हम लोग बचपन में बच्चों को धर्म करने की क्रियाएं तो सिखाते हैं पर उसके महत्व का बोध नहीं करा पाते। यदि बच्चों को क्रियाएं सिखाने के साथ साथ महत्व का बोध भी कराने लगे तो ये समस्याएं कम होगी। बड़े होने पर बच्चे और अधिक धार्मिक होंगे, तो हमें मूल तत्व का बोध कराना चाहिए जिससे बच्चों के हृदय में धर्म के प्रति स्थायी आकर्षण उत्पन्न हो सके। उपस्थित हों श्रीमती स्वयंलता जी जैन धन्यवाद से। तैयार हैं रिदान अभिषेक जैन मुंबई से। रिदान अभिषेक मेरे और मेरे परिवार की तरफ से दोनों महाराज जी को नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है सम्यक करते हुए समाधि मरण कैसे हो। क्या करते हुए? सम्यक धारण करते हुए। सम्यक धारण करते हुए समाधि मरण कैसे हो? नित सम्यक दर्शन की भावना भाव, सम्यक तो चित क्रियाएँ करो और अपने समाधि मरण की निरंतर भावना भाते रहो। संसार शरीर और भोगों से उदासीनता रखो, स्वाध्याय करो, आत्मचिंतन करो, सत्संग करो और हर पल यही भाव हे प्रभु मेरा सम्यक के साथ समाधि मरण हो और अंदर से वैसी तत्परता दिखाओ तो ये स्थिति बन सके। रिदान अभिषेक पहुँचे उपस्थित हो मुंबई से आ जाए। रिदान बोलो बेटा बोलो। नमोस्तु महाराज जी। मेरा यह प्रश्न है कि मैं जानता हूँ कि हमको
हर बार सत्य बोलना चाहिए, पर मैं अक्सर झूठ बोल देता हूँ क्योंकि मैं डर जाता हूँ सजा से। तो आप बताइए मुझ में हिम्मत कैसे आए कि मैं हर बात सच बताऊँ। देखो, पहले तो ये बताओ, सच बोल करके निडर रहा जा सकता है कि झूठ बोल कर? सच। तो फिर डरते क्यों? सजा से डरता हूँ। एक बार सजा पा लो, जीवन भर मजा लो, और एक बार की सजा के पीछे अपने अंदर का मजा किरकिरा क्यों करते हो? समझ गए? सच बोलो, माँ बाप को सच बोलो, स्कूल में सच बोलो, गलती हो जाए तो उसे स्वीकार लो, उसी से सुधार होगा। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं, ये क्या हमारे जीवन के लिए सजा नहीं है? सजा है। इसलिए अगर कोई सजा देता है स्वीकार लो, और ये सोचो ये सजा नहीं मेरे जीवन को मजबूत बनाने का आधार है, इससे हम और अधिक स्ट्रांग बने, अपने आप को मजबूत बनाएंगे तो हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकेंगे। समझ गए? और अब समझ गए ऑनलाइन प्रश्नों के समाधान पाएं। उसके पूर्व 19 से 25 जून तक संपन्न होने वाले पंचरत्न समारोह के प्रतिष्ठाचार्य श्रद्धे भैया अभय जी आपके समक्ष हैं अपनी सूचनाओं के साथ। परम पूज युगल मुनिराज के श्री चरण में कोटि शनमन। बंधो, धन्यवाद दिगंबर जैन समाज ने 12 साल पहले जो सपना देखा था वो सपना साकार करने के लिए परम पूज मुनिवर का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। और आज आपसे कहना चाहूँगा, आज 9 साल पहले जो सपना देखा था और सपना दिखाने वाले कोई संत थे मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज, और सपना को साकार करने आए हैं मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज। आज हमने शुभ मुहूर्त में शुभ काम किया है, और वास्तव से आज से हमारा पंचकर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आज मुख्य पात्रों का चुनाव का कार्यक्रम विधिवत संपन्न हुआ है, और इस पंचकर्ण की धन्यवाद दिगंबर जैन समाज की एक विशेषता है कि बिना बोली के पात्रों का चयन हुआ है। जोरदार ताली बजाकर इन पात्रों का सम्मान करें जिन्होंने मुनिवर से प्रेरणा लेकर, मुनिवर से आशीर्वाद लेकर अपनी भावना रखी, और आज स्वधर्म ईशान सनत कुमार महेंद्र महायज्ञ नायक यज्ञ नायक भरत बाहुबली राजा श्रेयांश राजा सोम और भगवान के माता पिता और 8 जो अन्य महापात्र हैं उनके चुनाव का कार्यक्रम और कुबेर इसके अलावा अन्य जो पात्र हैं उनका चयन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अभी भी और पात्र शेष हैं जो विशेष हैं। मैं ये कहना चाहूँगा जो इस अनुष्ठान में महापात्र के रूप में सम्मिलित होना चाहते हैं कमेटी के पदाधिकारियों से संपर्क करके आप इन पदों में सुशोभित होकर महोत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं। और उपस्थित हो अपने प्रश्न के साथ श्रीमान अंजलि कुमार जी जायसवाल वैज्ञानिक स्थानीय धनबाद। अंजलि कुमार जी अंजलि कुमार जी अंजलि जी आइए प्रश्न के साथ। अंजलि नहीं अंजनी है। अंजनी कुमार जी अंजना से। और आज यहाँ पे गुरुदेव की वंदनार्थ उपस्थित हुए सपरिवार मंजीता सिंह जी अपने परिवार के साथ आ जाएं, अग्रिम पंक्ति में नमोस्तु करें, आशीर्वाद प्राप्त कर लें। गुजराल जी एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ ये भी आए और गुरुदेव की वंदना करके आशीर्वाद प्राप्त कर लें। आइए आ जाइए सामने आ जाइए। हाँ बोलिए अंजनि जी बोलिए। अंजनि जी अंजलि बोलिए। अंजनि अंजनि जी अंजनि अंजनि है। अंजनि जी जायसवाल बोलिए प्रश्न। प्रश्न तो मेरा कल था, मैंने महाराज जी से पूछा ही था। आज कोई सवाल तो नहीं है आज? ठीक है, आशीर्वाद प्राप्त कर लें मंजीता सिंह जी परिवार के साथ और गुजराल जी एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ, चलो आशीर्वाद ले लें। और गुरुदेव मैं कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से सिस्टम को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। श्रीमती गुणमाला जी निर्मल कुमार जी जैन रुठियाई जिला गुना आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव अब काल लब्धि बलते दयाल तुम दर्शन पाए भयो खुशाल, ये पंक्ति हमने पढ़ी तो महाश्री जब काल लब्धि आएगी तभी हमको प्रभु के गुरु के दर्शन होंगे, और अगर नहीं होते तो हमारा दोष नहीं है, वो तो हमारी काल लब्धि नहीं आई, यह तर्क कहाँ तक उचित है कृपया समाधान। ऐसा तर्क एक बार किसी ने पंडित टोडरमल जी से किया तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। बात क्या कही है कि मीठी फटकार लगाई। मैं उन्हीं की पंक्तियों को आप सबके लिए दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा जब तेरा यहू सद्धान है तो तू किछु भी कार्यन का उद्यम मत कर,
जब तेरा यही भरोसा है कि जब काल लब्धि आएगी, समय आएगा, मेरा काम हो जाएगा, जब मेरा हो मेरी होनहार होगी, मेरा काम हो जाएगा, तो कुछ भी काम का उद्यम मत कर। तू खान पान व्यापार आदि में तो उद्यम करे, और यहाँ होनहार बतावे हैं तो जानिए हैं तेरा साचा श्रद्धान यहाँ है नाही, झूठी मान आदि ते बातें बनावे हैं। तो ऐसी बातें बनाने का काम मत कीजिए। अगर तुम्हें सच्चे अर्थों में सब कुछ काल लब्धि और तुम्हारी होनहार पे ही घटित होता दिखाई पड़ता है तो बस सबको उसी पर छोड़ दो, तब समझ में आएगा, जो किसी भी अर्थ में व्यवहारिक नहीं। आगे गुरुदेव आपके अनन्य भक्त श्रीमान श्रेयांश कुमार जी जैन संस्थापक सदस्य गुणायतन कानपुर आपके चरणों में बारम्बार नमस्कार करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव तेजो लेखसा से युक्त जो श्रावक जघन आराधना करते हैं वे स्वधर्म आदि स्वर्गों में देव होते हैं, नीचे के देव नहीं होते, अर्थात भवनोत्तर में जन्म नहीं लेते। उपरोक्त प्यारा भगवती आराधना ग्रंथ के स्वाध्याय करने में आया, तो गुरुदेव तेजोलेश्य से क्या तात्पर्य है? तेजोलेश्य यानी पीतलेश्य, पीत पद में शुक्लेश्य ना शुभलेश्य में पीतलेश्य। आगे चलो। हाँ, आज श्रीमान विनीत जी जयश्री गर्ग धनबाद आवास व्यवस्था जिनके हाथ में है, उन्होंने भी 8 इंद्रों में एक इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, बहुत बहुत साधुवाद। गुरुदेव महेंद्र जी जैन पत्रकार इंदौर आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि गुरुवर धन हमेशा के लिए मित्र नहीं होता, लेकिन सच्चा मित्र हमेशा धन के समान होता है, परंतु गुरुदेव दुविधा यह है सच्चे और अच्छे मित्र की पहचान। ये आवाज़ कैसे बंद कीजिए, आप लोगों ने इतने ज़्यादा पानी गिर रहा है। अच्छा चलिए, इसकी तो प्रतीक्षा थी। चलिए बोलिए। हाँ बोलिए, फिर से बोलिए सवाल। गुरुदेव धन हमेशा के लिए मित्र नहीं होता है, लेकिन सच्चा मित्र हमेशा धन के समान होता है, परंतु गुरुदेव दुविधा यह है कि सच्चे और अच्छे मित्र की पहचान कैसे हो? धन हमेशा के लिए मित्र नहीं होता, सच्चा मित्र धन की तरह होता। आपने पूछा है सच्चे और अच्छे मित्र की पहचान क्या है। मैं आपके पहले वाक्य से असहमत हूँ। ये बात सही है, धन हमेशा के लिए मित्र नहीं होता, पर सच्चा मित्र धन के समान होता है, मैं इससे असहमत हूँ। सच्चा मित्र धन के समान नहीं होता, क्योंकि धन एक सीमा तक ही साथ देता, उससे आगे नहीं। सच्चा मित्र हर अर्थ में साथ देता है, जिसमें कहीं किसी प्रकार की कोई शिकायत ही नहीं होती। धन तुम्हारे संकट में कुछ सुविधाएं दे सकता है, लेकिन तुम्हारी संकटों का सामना करने की ताकत नहीं देगा, संकट से उबारने का रास्ता नहीं दे सकता। ये सब अगर कोई दे सकता है तो वह केवल धर्म दे सकता है। इसलिए सच्चा मित्र यदि कोई है तो धन नहीं धर्म है, ऐसा समझना चाहिए, जो इस भाव में भी साथ देता है और भवांतर में भी साथ देता है। आपने पूछा है लोक में एक सच्चे और अच्छे मित्र की पहचान हम कैसे करें। अगर लौकिक दृष्टि से सच्चे और अच्छे मित्र की पहचान की बात आप मुझसे करते हो तो मैं आपसे कहूँगा कि जो आपको विपत्ति में साथ दे, जो बुराइयों से बचाए, जो हित में लगाए और अहित से दूर करे, वही एक सच्चा मित्र कहला सकता है। सच्चा मित्र वह नहीं जो सुख में आपके साथ हो, सच्चा मित्र वो नहीं जो बुराइयों में आपको उलझाए, सच्चा और अच्छा मित्र वही है जो सदैव जीवन में सकारात्मक दिशा लेकर आगे बढ़े और बढ़ाने की कोशिश करे। गुरुदेव ललितपुर उत्तर प्रदेश से विजय कुमार जैन रिटायर्ड मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं, जानना चाहते हैं कि गुरुदेव कहते हैं अंत भला सो सब भला। अगर ये सही है तो जीवन के अंतिम चरण में धार्मिक अनुष्ठान, दान, पूजा, तप आदि करके अंत सुधारा जा सकता है। फिर जीवन भर धर्म आदि क्यों करें? भैया ये तो हमने देखा है, जीवन भर राम राम कहने वाले के मुख से भी मरा मरा निकल जाए। कोई बिरला ही होता है जो मरा मरा रटे, उसके मुख से राम राम निकले। और हमें क्या पता हमारे जीवन का अंत कब होगा। यदि हमारी एक्सपायरी डेट फिक्स हो तो हम आपसे की आपकी बात से सहमत हो सकते हैं कि भैया अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अंत भला सो सब भला। संत कहते हैं कोई भी क्षण तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण हो सकता है, इसलिए हर क्षण के प्रति जागरूक हो और हर क्षण को अंतिम क्षण मान करके उसे सुधारने की कोशिश करो ताकि जीवन अच्छा बन सके। गुरुदेव नरियावली मध्य प्रदेश से सारांश जैन कोटि से नमोस्तु अर्पित कर जानना चाहते हैं कि गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि जिन लोगों का रोज रोज मंदिर जाने का मन नहीं होता तो क्या यह उनके पाप कर्मों का कारण है? देखिए मंदिर न जाने के मन होने के पीछे पाप कर्म ही कारण नहीं, यह उनकी रुचि की कमी, श्रद्धा की दुर्बलता या मन का आलस भाव और संकोच, इसकी वजह से भी हो सकता है। यदि ऐसे व्यक्ति की रुचि जगा दी जाए तो उनका पाप कर्म पुण्य कर्म में परिवर्तित हो सकता है, उनका संकोच दूर हो जाए, आलस दूर भाग जाए, तो वो अपने जीवन में वह सब कुछ घटित कर सकते हैं। तो जिनका मन नहीं करता उन्हें पापी अधर्म नीच न समझे, आप उनकी रुचि को बढ़ाने का प्रयास करें, ऐसी प्रेरणा दें कि वो बिना मंदिर के रह ही ना पाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी मंदिर जाना नहीं चाहते थे और आज ऐसे हैं कि मंदिर के बिना रह नहीं पाते। आवश्यकता केवल और केवल रुचि जगाने की। गुरुदेव नितिन जैन बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि महाश्री जब हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति बीमार हो जाए तो हमें बहुत पाप का बंध होता है, लेकिन महाश्री अधिकांश डॉक्टर तो यही सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार हों तो मरीज मेरे पास आए। तो महाश्री मेरी शंका यह है कि ऐसी सोच रखने वाले डॉक्टरों को कितना पाप लगता है। एक डॉक्टर ने एक अस्पताल खोला, मेरे पास आशीर्वाद लेने आया, बोला महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी अस्पताल अच्छी चले। मैंने कहा मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे अस्पताल में कोई मरीज ही ना। बोले महाराज ये तो गड़बड़ हो गया। बोले भैया तू खुशहाल रहे, तेरे जीवन में धन धान्य की समृद्धि हो, ये आशीर्वाद तो मैं तुझे देने को राजी हूँ और दे भी रहा हूँ, पर तेरा अस्पताल भरा रहे ऐसा आशीर्वाद मुझसे मत मांगो, क्योंकि ऐसा आशीर्वाद मैं दूंगा तो मैं लपेटे में आ जाऊँगा। तेरा आशीर्वाद अस्पताल तभी भरेगा जब लोग बीमार पड़ेंगे। तो ये तो एक प्रकार की अमंगल भावना है, अशुभ भावना है, इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हाँ ये सकारात्मक भाव रखा जा सकता है, रखा जाना चाहिए। कोई चिकित्सक है कि दुनिया का कोई भी बीमार हो अगर मेरे यहाँ आए तो स्वस्थ होकर जाए, मैं उसकी उत्तम से उत्तम चिकित्सा कर सकूं। एक भी बीमार व्यक्ति इलाज के अभाव में इस दुनिया से न जाए। हे प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दे दो कि मैं गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को भी स्वस्थ करके भेज सकूं। ये सकारात्मक भाव, ऐसे भाव मन में मत लाओ, अन्यथा पाप का आश्रय तो होता ही है। गुरुदेव मेरे बेटे श्रेयस और विशेष ने अपने जन्मदिन पर आपसे आशीर्वाद चाहते हुए ये जानना चाहा है कि अर्थ का खर्चा घर की व्यवस्था बिगाड़ देता है, अर्थ की चर्चा मन की अवस्था बिगाड़ देता है, और बिना अर्थ के न धर्म सत्ता है न पद प्रतिष्ठा मिलती है, तो गुरुदेव अर्थ को निग्लेक्ट कैसे करें? अर्थ का खर्चा घर की व्यवस्था और अर्थ की चर्चा मन की अवस्था, दोनों को बिगाड़ता है। पर आपने पूछा अर्थ के बिना में कुछ चलता भी नहीं, न घर गृहस्थी चलती, न धर्म चलता है, न पद प्रतिष्ठा मिलती है, तो हम क्या करें? मैं आप सबसे कहता हूँ अर्थ का खर्चा भी करो
और अर्थ की चर्चा भी करूं। क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, अर्थ की का खर्चा भी करो और अर्थ की चर्चा भी करो, बस अर्थ की अर्चा से बचो। खर्चे में दिक्कत नहीं, चर्चे में दिक्कत नहीं, अर्चा में दिक्कत है। आज लोग अर्थ की अर्चा करने में लीन हो गए, पैसा ही परमेश्वर हो गया। व्यक्ति को अपने जीवन में एक बात गांठ बांध कर रखना चाहिए कि जीवन के लिए पैसा है, पैसे के लिए जीवन नहीं। हमारा जीवन पैसों से ऊपर है। जरूरत के अनुरूप खर्चा करो और आवश्यकता के अनुरूप चर्चा करो। अर्थ का खर्च उतना ही करो जिससे घर की व्यवस्था न बिगड़े, और अर्थ की चर्चा उतनी ही करो जिससे मन की अवस्था न बिगड़े। हमें अर्थशास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। आमद कम और खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का, और कुवत कम और खर्चा ज्यादा चर्चा है, कुवत कम और गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का। तो कुवत के हिसाब से गुस्सा, तो आमद के हिसाब से खर्चा। तुम्हें अपनी आमदनी को देखकर खर्चा करना चाहिए और अर्थ की चर्चा भी उतनी ही और वहीं करनी चाहिए जहां उसकी आवश्यकता और अपेक्षा है। उससे अधिक करने से कोई लाभ नहीं है। तो मैं मानता हूं आप अर्थ की का खर्च करो, अर्थ का जितना खर्चा करना है करो, अपव्यय से बचो। अर्थ की चर्चा करना है करो, पर उसकी एक सीमा रखो। अर्थ की अर्चा मत करो, अर्थ को केवल जीवन निर्वाह का साधन मानो, साध नहीं। अर्थ जीवन के निर्वाह का साधन है, साध नहीं। और ये सब चीजें तुम्हारे जीवन में तत्क्षण घट जाएगी यदि जीवन में धर्म जुड़ जाएगा। धर्म से जुड़कर जो अर्थ का अर्जन करते हैं उनका अर्थ परमार्थ का कारण बनता है, और जो धर्म से विमुख हो जाते हैं उनका अर्थ अनर्थ का हेतु हो जाता है। अर्थ से अनर्थ भी है तो उसी अर्थ से परमार्थ है। अर्थ को परमार्थोन्मुखी बनाइए, धर्म से जुड़िए। अर्थ भरत चक्रवर्ती के पास आया, उसने भगवान का मंदिर बनाया, सोना पाया, सोने का मंदिर बनाया। आज भरत के नाम से देश का नाम भारत हो गया। और अर्थ रावण के पास आया, उसने सोने की लंका बनाई, ईंट से ईंट बच गई। आज रावण का नाम लेना भी कोई पसंद नहीं करता। तो बस जो भरत की तरह अर्थ को जीवन का निर्वाह का साधन मानते हैं उनका अर्थ परमार्थ का कारण बन जाता है, और जो रावण की तरह होते हैं उनका अर्थ अनर्थ का हेतु बन जाता है। ये दोनों बातों को ध्यान में रखिए। इसलिए वाक्य दोहराता हूँ, अर्थ का खर्चा हो, अर्थ की चर्चा हो, पर अर्थ की अर्चा कतई ना हो। गुरुदेव प्राचार एनसी जैन शमशाबाद ट्रस्टी गुणायतन, आपके चरणों में बारंबार नमस्ते करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव बुढ़ापे में बचपन की बातें बार बार क्यों याद आती हैं? बुढ़ापे में बचपन की बातें बार बार इसलिए याद आती कि बुढ़ापे में बचपना फिर से लौट आता है। देखो, वृद्धावस्था बचपन का पुनरावर्तन है, पुनरावर्तन पुनरागमन है। कैसे? देखो, बच्चे के बाल नहीं उगे होते, बूढ़ों के सिर सपाचट हो जाते। बच्चों के दांत उगे नहीं होते, बूढ़ों के दांत बचे नहीं होते। बच्चों के मुंह से भी लार बहती है, बूढ़ों के मुंह से भी लार निकलती है। बच्चे चलने में असमर्थ होते हैं तो बूढ़े चलने में असक्त हो जाते हैं। बच्चों को कुछ ज्ञान नहीं होता और बूढ़ों को कोई स्मृति नहीं होती, कुछ ध्यान नहीं होता, तो क्या है? बुढ़ापा बचपन का
पुनरावर्तन ही तो है, इसलिए उधर लौटते हैं तो बचपन की बातें यदि याद आ जाए तो उसमें कोई असंगत जैसी बात नहीं है, उसी अनुरूप अपना सारा कार्य होना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय 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 परम पूज महामनाम निराज परमा सागर जी महाराज की।